तो भाई लोग वैसे वेब सीरीज के बारे में जितना बोलो उतना पड़ेगा कम, तो इसीलिए बॉलीवुड से सिर्फ 10 वेब सीरीज लेकर आए हैं हम। जी हाँ गुरु, सिर्फ बॉलीवुड की ये सीरीज है जिसमें हॉरर मिलता है, कॉमेडी मिलता है, सस्पेंस मिलता है और सर्वाइवल स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगा और वैसे लव स्टोरी भी मिलता है, तो उसे मत भूलना बॉस। तो मैं जिस 10 सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर आपने उसे देखा होगा तो अच्छी बात है और अगर आपने नहीं देखा होगा तो और भी अच्छी बात है बॉस। तो आइए ना इस वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बॉस। तो नंबर 1 पे है द रेलवे मैन, जिसमें भोपाल गैस कांड पर एक स्टोरी है और इसके लीड रोल में देवेंदु, केके मेनन और जूही चावला भी है। सिंपल सी स्टोरी है इस सीरीज का, भोपाल गैस कांड पे इस स्टोरी को बनाया है और जैसे सर्वाइव करता है, जैसे उस गैस के कारण कितने लोग मरते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। बाकी इसकी स्टोरी आप सीरीज देखकर ही मालूम करना, क्योंकि ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा बॉस और मैंने इसे देखा है तो इसीलिए आपको बता दिया। वैसे मैं जितनी भी वेब सीरीज के बारे में बात करूंगा वो मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप इस सीरीज को देखो। तो नंबर 2 पे है स्कैम 1992 और इसकी स्टोरी आपको पता होगा क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और गुरु जब ये सीरीज आई थी तब उसका हाइप इतना ज्यादा था कि हर्षद मेहता को सारे लोग जान गए, जिसका मेन कारण है इस सीरीज का आना और जनता के सामने स्कैम 1992 को दिखाना। तो सीरीज तो बढ़िया है, एक बार आप जाकर देख लेना बॉस। नंबर 3 पे है द फैमिली मैन स्टारिंग मनोज वाजपेयी और इसकी स्टोरी बेसिकली एक रॉ पर है और एक फैमिली के बाप पर, जिसने अपने फैमिली को संभाला है और साथ साथ रॉ को भी संभाला है। बाकी स्टोरी इसका काफी जबरदस्त है। हाँ, थोड़ा मोड़ा आपको गाली सुनने को मिल सकता है, तो गुजारिश है कि बच्चे के सामने ना देखें। तो गुरु नंबर 4 पे है कोटा फैक्ट्री और इसमें जीतू भैया का लीड रोल है स्टारिंग जितेंद्र कुमार। वैसे इसकी स्टोरी IIT करने वाले छात्रों पर है जो कोटा जाकर पढ़ता है और इसमें पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वह सब आपको देखने को मिलेगा बॉस। और जीतू भैया है एक टीचर जो पढ़ाने के साथ साथ उनका काम है बच्चों को हैंडल करना। तो बाकी की बात इस सीरीज में देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा बॉस। नंबर 5 पे है ताजा खबर, जिसका पहले तो सीरीज आया था सीजन 1 का और अभी हाल फिलहाल में ही आया है सीजन 2 का भी, जिसमें है बेटिंग, गैम्बलिंग, इमोशंस और वरदान, जिसकी स्टोरी आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है और भुवन बाम ने वस्या का कैरेक्टर किया है गुरु, तो उसे आप मिस मत करना क्योंकि वो आपको एक अलग फील देता है गुरु। तो सीरीज बढ़िया है, आप एक बार जाकर देख लेना। नंबर 6 पे है फर्जी, जिसमें नोटों की होती है बरसात और शाहिद कपूर इसमें लीड रोल के कैरेक्टर में है और इस सीरीज में वही गरीबी को दिखाया गया है जिसके बाद शाहिद कपूर बाद में अमीर कैसे बनते हैं उसकी स्टोरी है और साथ में उसका दोस्त भी है जिसने शाहिद कपूर के दोस्त होने का बखूबी रोल निभाया है। तो अर्श से फर्श तक देखने के लिए इस सीरीज को आप देखो क्योंकि गरीब और अमीर तो सब है भाई। नंबर 6 पे है TVF के तरफ से आई हुई एक फैमिली ड्रामा सीरीज जिसका नाम है गुल्लक और बेसिकली ये फैमिली ड्रामा सीरीज है जिसमें फैमिली में हो रहे नोक झोंक, लड़ाई या भाई बहन के बीच भी नोक झोंक, वो सबको दिखाया है। और सच बताओ गुरु तो इसमें कैरेक्टर ज्यादा बड़ा नहीं है मगर इस सीरीज को इन चारों कैरेक्टर ने बखूबी निभाया है और फैमिली में इमोशंस को कैसे लाया जाता है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस सब को दिखाया है गुरु। तो एक बार आप इस सीरीज को देखना जरूर। तो नंबर 3 पे है ये मेरी फैमिली और बेसिकली ये भी एक फैमिली ड्रामा सीरीज है, तो ये भी एक फैमिली के ही ऊपर है सीरीज जिसमें भाई और बहन पे ज्यादा फोकस किया है और इस भाई बहन वाले सीरीज में इमोशंस कैसे आएगा और आप रो कब दोगे ये आप जान जाओगे बॉस। नंबर 2 पे है पंचायत और इसके बारे में क्या कहना, देखो कैरेक्टर तो इसमें बहुत सारा है, सचिव जी, जितेंद्र कुमार, मीना गुप्ता और पिंकी, रिंकी, जो भी हो सब है और इसका सीजन 1, 2, 3 सब आया है, तो बात नहीं करने का आप जाकर देख लेने का। लास्ट और नंबर 1 पे है मिर्जापुर, जिसके बारे में भी क्या कहना गुरु, और आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देखना क्योंकि इसमें बल्गर सीन है और इसमें गालियां भी बहुत सारा मिलेगा। वैसे सीरीज तो लाजवाब है और कैरेक्टर भी लाजवाब है क्योंकि कैरेक्टर इतना है गुरु कि कैरेक्टर तो आप गिन नहीं पाओगे और उस कैरेक्टर का रोल भी आपको मजा देखने में और कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर हैं। तो बेसिकली ये क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें गोली बंदूक की बातें तो यूं ही होते रहती है और अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो कसम से भाई साहब अगर आपने देख लिया तो आपको 100% गारंटी के साथ पसंद आएगा ही आएगा। तो ये था हमारा 10 बेस्ट सीरीज जिसको मैंने देखा है, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूं और इस 10 सीरीज में ऐसा कोई सीरीज नहीं होगा जो मेरे ख्याल से आपको पसंद ना आए। बाकी इन सारे सीरीज में से आपको कोई सीरीज पसंद ना आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना और इस सीरीज के देखने के बाद भी हमें ये बताना कि ये सीरीज आपको कैसा लगा होगा। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।